30 मिनट आज नंदीग्राम में भाषण दिया, लगभग 30 मिनट भाषण दिया ममता बनर्जी ने, एक बार भी शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं लिया, लेकिन नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी ये कहकर ललकार दिया। अच्छा, ये वही इलाका है जहां शुभेंदु अधिकारी और उनके परिवार का अच्छा खासा सियासी दबदबा माना जाता है। वहीं पर चुनावी रण का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने एक नई कहानी शुरू कर दी है, सीधा अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ। लेकिन आगे की सियासी कहानी क्या है ये देखिए। दक्षिण बंगाल का दुर्ग बचाने के लिए नंदीग्राम की धरती से ममता बनर्जी ने करो या मरो का सियासी बिगुल फूंक दिया। नंदीग्राम 2007 में लेफ्ट को उखाड़ फेंकने की शपथ जिस नंदीग्राम से खाई थी, उसी नंदीग्राम से ममता बनर्जी ने 2021 में मास्टर स्ट्रोक चलते हुए बीजेपी के गेम प्लान को सबसे बड़ी चुनौती दे डाली। नंदीग्राम के उस नायक के घर में घुसकर ममता ने सीधे ललकारा, जो बागी हो गया। खुद की साख को दांव पर लगाते हुए ऐलान कर दिया कि 2021 में नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और जीतेंगी। नंदीग्राम होच्छे आमार काछे एकटा लाकी जायगा, केनो बोलुन तो 2016 इलेक्शनेर आगे আমি নন্দীগ্রাম থেকেই আমি আমার ইলেকশন ঘোষণা করেছিলাম। আমি আজকেও এসছি নন্দীগ্রামে, নন্দীগ্রাম থেকে তৃণমূল কংগ্রেস 2021-এ জিতবে এবং 2021 মনে রাখবেন নন্দীগ্রাম থেকেই শুরু হলো জেতার পালা। তাই তৃণমূল কংগ্রেস এই নির্বাচনে জয়লাভ করবে নন্দীগ্রাম থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা সিটে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হবে ও জয়লাভ করবে। नंदीग्राम विधानसभा से चुनाव लड़कर ममता ठीक वैसा ही सियासी संदेश देंगी जैसा नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से चुनाव लड़कर दिया। बंगाल की सियासत में अब तक वोकल बीजेपी की आवाज सुनाई दे रही, लेकिन अब ममता बनर्जी ने अपने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया। आज ममता के नंदीग्राम ऐलान की 5 बड़ी बातों को बहुत गौर से सुनिए। बड़ी बात नंबर 1, भवानीपुर और नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। बड़ी बात नंबर 2, दक्षिण दुर्ग से शुभेंदु फैक्टर से खुद निपटेंगी। बड़ी बात नंबर 3, 211 से ज्यादा सीट जीतने की भविष्यवाणी। बड़ी बात नंबर 4, ममता बनर्जी ने अपनी साख दांव पर लगाई। बड़ी बात नंबर 5, 2021 जीतेंगी तो 2024 में मोदी को रोकेंगी। ममता बनर्जी की राजनीति को सिर्फ बंगाल तक सीमित एक नेता के चश्मे से देखना बहुत गलत होगा। साल 2019 में तीसरे मोर्चे का मंच बंगाल की धरती पर ममता की अगुवाई में तैयार हुआ। 2016 की तस्वीरें याद करिए, ममता का मंच उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं और मोदी विरोधी गुट के स्वीकार्यता को दर्शाता है। 2021 में बंगाल का चुनाव ममता बनर्जी के लिए करो या मरो की रणनीति पर पूर्णतः आधारित हो गया है। वजह एकदम स्पष्ट है, ये मास्टर स्ट्रोक है। किसी ने सोचा नहीं था, आज सुबह में भी ममता बनर्जी जब नंदीग्राम जा रही थी तब भी मीडिया क्या कोई राजनेता के पास भी ये खबर नहीं था। और ममता बनर्जी कोई एडवाइजर नहीं, ममता बनर्जी ने खुद ये फैसला लिए हैं। और नंदीग्राम से लड़ने का जो सिलसिला वो बाद में भी कंफर्म किया गया है। ममता बनर्जी ने खुद को भारतीय राजनीति में स्ट्रीट फाइटर के तौर पर स्थापित किया। बीते एक दशक से बंगाल की सियासत उनकी मुट्ठी में है। बड़ी बात यह है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव राष्ट्रीय राजनीति पर सीधा असर डालेगा। अगर ममता मोदी को बंगाल में रोक लेती हैं और सत्ता में वापसी करती हैं, तो वो 2024 में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए संभावित विपक्षी गठबंधन का नेतृत्व करने की कतार में सबसे आगे होंगी। बंगाल की लड़ाई में ममता के खिलाफ अगर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी तो उसके पीछे 2024 को नकारा नहीं जा सकता। आज बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस को पछाड़कर बीजेपी नंबर 2 पार्टी बन चुकी है। बंगाल में सीधी लड़ाई बीजेपी और टीएमसी में है।
और इसी लड़ाई को जीतने के लिए बीजेपी ने दक्षिण बंगाल में शुभेंदु कार्ड खेला, तो उसे काउंटर करने के लिए ममता ने नंदीग्राम कार्ड खेला। तृणमूल से बीजेपी में आए दूसरे नेता जैसे मुकुल रॉय हो या शोभन चैटर्जी, सब ने दिल्ली में जाके बीजेपी का दामन थामा। वहीं शुभेंदु अधिकारी को पार्टी में ज्वाइन कराने के लिए खुद गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में आए और शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी का दामन थामा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना महत्व बीजेपी शुभेंदु अधिकारी पर दे रही है और शुभेंदु अधिकारी पर किस तरह से बीजेपी इस वक्त डिपेंडेंट है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी को ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का ट्रंप कार्ड बन सकते हैं। यही कारण है कि नंदीग्राम से खुद ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो डायरेक्ट फाइट शुभेंदु अधिकारी को अपने ही घर से देंगे। यहाँ ये भी समझना होगा कि दक्षिण बंगाल ममता का गढ़ है और इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए ममता के लेफ्टिनेंट शुभेंदु अधिकारी को बीजेपी में शामिल कराया गया है। बंगाल की सियासत में उत्तर और दक्षिण का दांव समझिए। उत्तर बंगाल में 2019 में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन, दक्षिण बंगाल में 2019 में टीएमसी का अच्छा प्रदर्शन। 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को 49% वोट मिले। यानी बंगाल में ममता की कुर्सी को हिलाना है तो दक्षिण बंगाल के किले को जीतना होगा, वही किला जो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के आंदोलन से खड़ा किया। मुस्लिम कम्युनिटी है, ओबीसी है और गांव में बहुत गरीब आदमी है जो ममता बनर्जी को मानते हैं। इस समय शुभेंदु ने 2-4 दिन पहले वहां रैली करके बोले थे कि यहां आके लड़ाई करके ममता बनर्जी दिखाए, तो जो चैलेंज छोड़ा था शुभेंदु ने, आज ममता बनर्जी उसी गढ़ में जाके खुद चैलेंज दिखाए। अब दक्षिण बंगाल के सियासी युद्ध में ममता और शुभेंदु एक दूसरे के आमने सामने हैं। आज शुभेंदु के गढ़ में ममता ने हुंकार भरी तो ममता के इलाके में शुभेंदु ने शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन जो तस्वीरें आई उसमें बंगाल के सियासत का खूनी चरित्र नजर आया। आज तक ब्यूरो।